ਤੀ ਮਰਦੇ ਓਏ 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 ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਓਏ ਓਏ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ ਓਏ ਓਏ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਓਏ ਓਏ ਗਰੀਬ ਮਰਨ ਜਿਓ ਓਏ ਗੰਜਿਓ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਮਰ ਗਏ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਓਏ ਗੰਜਿਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਰਦੇ ਓਏ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਓਏ ਚੋਰਾ 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 ਗੰਜੇ ਚੋਰ ਗੰਜੇ ਚੋਰ ਓਏ ਮੁੜ ਵੇ ਖਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ कोई शह नहीं दी जो रहा लिया जो कुछ रहा लिया लिया और बेड़ा गर्क करन आए पाकिस्तान का पाकिस्तान नू लुटन आए चोर मैं की करा बर्बाद करन आए पाकिस्तान नू तबाह करन आए चोर चोर है गंजे चोर है भाजन मेरे वस्त विच नहीं है मेरे वस्त नहीं मेरे सामने आउण या मैं अपने आप नू मारा चोरां नू मारा मैनू पाकिस्तान नाल मुहब्बत है मैं पाकिस्तानी हाँ और मेरे को जो होया मैं पाकिस्तान लिए कर सकदा ए पाकिस्तान दा बेड़ा गर्क करना है पाकिस्तान नू तबाह करना है बिजली आउंदी नहीं बिल आउंदे आ बिजली आउंदी नहीं मैं भजन 1200 रुपया दिहाड़ी कमांदा मंडी च मजदूरी करदा मैं अपने घर दा गुजारा करा मेरा घर किराए ते आ मैं की करा दसो मैनू तुसीं दसो ना कि मैं की करा मेरे पांच बच्चे मैं बच्चों को खवावा घर का किराया देवा बिजली का बिल देवा मैं की करा 1200 च की करा दसो मैनू ये कहिंदे जी खान साहब ने आके खराब की आ खान साहब मकैनिक है ना आप ही जाके बंद करी लैंदे आप ही जाके चलाए आउंदे आ बेड़ा गर्क किन्हां दा कीता होया भुगतिया खान ने ना जी या मेरे मालिक या इन्हां नू पर्दा दे दे ते या सानू पर्दा दे दे यह असी तो दुआ रब तो मंगने या इन्हों मार दे या सानू मका दे एक जान छुट्टे पाकिस्तान चो गंद मुके है यह गंद कढ़ो ओए आवाम नू मैं कहना है गंद कढ़ो इन्हों चोरां नू कढ़ो इत्थो इको शेर है पाकिस्तान च जिहदा नां इमरान खान है मेरा शेर जिहड़ा पाकिस्तान लई सोचदा सारे चोर एक पासे मेरा खान एक पासे लव यू इमरान खान बाबा शेर है ना मंजूर कि सारे चोर जे अपनी चोरिया बचाने लिए आए हैं मेरा खान पाकिस्तान लिए सोचता ओदे लिए जान देने लिए मरन लिए तैयार है इत्थे अज आए इसे लिए यार 5 रुपये 2 रुपये तेल वधदा सी बेड़ा गर्क किन्हां दा रोण लग पैंदा सी असीं किहड़े पासे जाइए ਅਸੇ ਇਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਮਹਿੰਗੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਓਈ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਜਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ एह जिहा बंदा पाकिस्तान की हिस्टरी च लीडर नहीं आया जिहो जिहा इमरान खान आया वा मेरी पूरी कौम नू हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है रब दा वास्ता इमरान खान नू बचा लो इन्होंने इमरान खान हथों गवा लेना जे फिर अखा जात दे दे के रोना इन्होंने कौन बचाएगा पाकिस्तान इमरान खान इमरान खान भाजन पता की गल जिन्हां नू खाण लई लभदा जिहड़े ओह चुप कर जांदे जे ओह इक्को ही इमरान खान जे जिहड़ा पाकिस्तान की जंग लड़ रहा पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहा साढ़े वर्गे जिहड़े दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है उन्होंने जंग लड़ रहा मैं तुहानू अगे भी ताडा मेरा इंटरव्यू मैं तुहानू दस्सिया सी कि भाई मैं अपना नाम नहीं लिख सकता मैं अंगूठा छाप आदमी हाँ मेरे मुँह च जुबान इमरान खान ने दिती मैनू शौर इमरान खान ने दिता तो हले भी यार इस तो वध होर इन्हां नू की चाहिदा इहो जिहा लीडर अज पाकिस्तान की हिस्टरी च नहीं आया कैद आजम तो बाद इमरान खान के नाल लीडर कोई नहीं है जिहड़ा पाकिस्तान की सोचता जी शुक्रिया आपका आपने वक्त दिया हम ये कहना चाहेंगे कि आज से 3.5 साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उसमें जब पेट्रोल 2 रुपये लीटर बढ़ता था तो ये लोग शोर मचाते थे
और हमारे एक केपीके का नौशेरा का एक सूबाई असम्बली का एक मिनिस्टर है इख्तियार वली, वो साइकिल पे चल के जाता था कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ। अभी इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आज इन्होंने पेट्रोल एक, तो इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, ये क्या कर सकते हैं इस कौम के लिए? ये आए अपने लिए हैं, ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की औलाद जो है ना वो बाहर बैठी हुई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कहाँ हैं, उसके बेटे कहाँ हैं, शहबाज शरीफ के बेटे कहाँ हैं? क्या ये पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं? ये भी तो बाहर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब के बेटे तो ना सियासत से उनका कोई तलक है। खान साहब कहते हैं कि मैं ही हूँ सियासत में, मैं गया तो मेरा रिश्तेदार नहीं आएगा। ये महंगाई जो इन्होंने की है, ये हम कहते हैं कि सरासर नाइंसाफी है इस कौम के साथ। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक एक आदमी है जो 800 रुपए दिहाड़ीदार है, आज घी जो हमें 600 रुपए किलो मिल रहा है, पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया है, चीनी का रेट देख लें, आटे का रेट देख लें। तो ये इन लोग, ये महंगाई आवाम के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपने केसेस खत्म करने के लिए आए हैं, उसमें रद्दो बदल करने के लिए आए हैं कि किसी तरीके से जो हमारे ऊपर ये फर्द जुर्म आयद हो रहे हैं इसको हम साइड पे करें। नैब के इन्होंने इनमें तबादले किए हैं, FIA में तबादले किए हैं। इनका मकसद ही सिर्फ अपनी जात के लिए, अवाम का इनके साथ कोई तलक नहीं है इस हुकूमत। कहता हूँ ना कि 800 गरीब की दिहाड़ी है। अब मैं मानता हूं इनको ये कि अगर ये 200 का पेट्रोल करते हैं तो गरीब की दिहाड़ी भी 1500 होनी चाहिए थी। अभी गरीब, मैं तो कहता हूं कुछ अरसे बाद ये गरीब खुदकशियों पे आ जाएगा, क्योंकि जब बच्चों के लिए आटा नहीं होगा, घी नहीं होगा, चीनी नहीं होगी, तो वो फिर देखेगा अपने बच्चों को और वो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा। इस गवर्नमेंट का हमें कोई, इनसे कोई तवक्को नहीं है कि ये आवाम के लिए कोई रिलीफ ला सके।